तो यहाँ पे देखिए लाइन से भाई खाली पीजी एकदम। तो राजू पीजी में हम जा रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर भी जाकर देखते कैसा है। टू शेयरिंग वाला है 10,000 का। यहाँ पे देख लीजिए वर्किंग एरिया है, ये डाइनिंग एरिया है खाने के लिए, और कभी मन करेगा तो गैस वैस रखा हुआ, अपना खुद से खाना बना सकते हैं। पार्किंग जो भी है ना सब बाहर। तो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अभी हम बैंगलोर में हैं और यहाँ पर है ना पीजी सर्च कर रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे को बोला कि भाई पीजी सर्च कर दे, तो बोले ठीक है पीजी सर्च करते हैं। तो निकुंज और हम मिलके यहाँ पे पीजी सर्च कर रहे हैं अपने दोस्त के लिए, और हम लोग जाके देखेंगे। तो निकुंज यहाँ ऑलरेडी बैंगलोर में रहता है, इसको आइडिया है कि पीजी कहाँ कहाँ पे। तो बजट में पीजी हम देखेंगे, अभी व्हाइट फील्ड महादेव पूरा के आसपास में हम लोग हैं, उस एरिया में सर्च करें, क्योंकि यहाँ पे कंपनी वगैरह तो मेरे फ्रेंड का ज्वाइनिंग इधर ही कहीं होने वाला है, तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है। बस पीजी सर्च करके उसको एक आइडिया दे देंगे, और आप लोग को भी होप्स हो कि आप लोग को भी हेल्प मिल जाएगा कि पीजी कैसे सर्च कर लें और बजट फ्रेंडली में एकदम। तो निकुंज मेरे को गाइड करेगा कहाँ कहाँ चलना है। इधर भी है, ये बागमने का ये है, बागमने टेक पार्क, ये एरिया है महादेवपुरा, यहाँ से फिनिक्स मॉल है सामने, फिनिक्स मॉल भी पास में ना 1.5 किलोमीटर। हाँ सारे गर्ल्स पीजी भी है, को लिविंग भी है, बॉयज पीजी भी है, सारे पीजी दिखा। ओके तो गर्ल्स पीजी, बॉयज पीजी, को लिविंग, सारा पीजी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए। चेक करते हैं कौन कौन सा पीजी कितने बजट में, क्या क्या एमिनिटीज उसके अंदर मिलने वाला है। तो ये वाला को लिविंग पीजी है भाई, तो देखने में बाहर से तो अच्छा लग रहा है। तो निकुंज कॉल करके पूछ लेता है खाली कि नहीं, फिर अंदर जाके देखते हैं कि रूम कैसा है, अंदर में क्या है। स्मार्ट टीवी, गुड फूड, लॉन, वर्किंग स्पेस, सारा चीज़ है, बट को लिविंग का पता नहीं कैसा होने वाला है। तो ये लिफ्ट है भाई आगे, और अंदर जा रहे कोली में, फ्रिज भी मिल रहा अपने को इसमें को लिविंग में। खोल के देखो, अच्छा सबका अपना अपना सामान रखा हुआ है, को लिविंग का फैसिलिटी है भाई। ये देखिए को लिविंग भाई, गेट वेट सब एकदम पूरा होटल की तरह है बाहर से लगता है। तो ये वाला पीजी है भाई दो लोग के लिए को लिविंग में, और ये कबर्ड है, और इधर से लगा हुआ टीवी भी है, एक यहाँ भी टेबल है, और वॉशरूम, वॉशरूम ऐसा है ख़त्म, मतलब इतना ही छोटा है, मिरर है, शॉवर है। तो ये को लिविंग का पीजी है दो लोग का है। अब रेंट पूछते हैं कितना क्या रेंट है इसका। अब यहाँ पे ये ठीक है फर्नी, मतलब छोटा होटल है ना, बोल सकते हैं मिनी होटल जैसा है। यहाँ पे देख लीजिए वर्किंग एरिया है, यहाँ पे बैठ के आराम से वो काम करेंगे वर्क फ्रॉम है। निकुंज आ जाएगा कभी कभी तो बैठ के तुम काम कर लेगा यहाँ पे, अच्छा लग रहा है यहाँ से। और व्यू यहाँ से देख कैसा दिखता है भाई साहब। हम लोग कौन सा फ्लोर पे हैं? सिक्स पे आ गए हम लोग। ओहो इसलिए ऊँचा लग रहा थोड़ा सा। बाकी यहाँ पर भी फ्रिज है, वॉशिंग मशीन यहाँ पे भी है, इसमें वॉशिंग मशीन और सारा चीज़ इसमें इंक्लूड है। गेम्स वगैरह भी खेलने के लिए यार, ये तो सबसे बढ़िया चीज़ है, जब भी तुमको मन नहीं लग रहा आके गेम्स वगैरह खेल लो यहाँ पे। वर्क फ्रॉम होम भी करो। हाँ अच्छा कोई टेरेस देख लेते इसका कैसा है, आरओ भी लगा हुआ है, शुद्ध जल, छत में तो पूरा ग्रीन ग्रीन ग्रास लगा हुआ है यार, उधर कपड़ा डालने के लिए वहाँ पे। इधर गीजर है, सारे पीजी है इधर, इधर जितना है सब पीजी। सिंगल शेयरिंग 25,000, और डबल शेयरिंग में रहना है तो 14,000, उसमें सारा चीज़ इंक्लूड है, इसमें वाईफाई, बिजली बिल, सब चीज़ें को फिर से देख लीजिए। ये भाई एक एक कम्फर्ट इसमें चेक करते हैं, बाहर से तो अच्छा दिख रहा है, कम्फर्ट है कि नहीं अंदर से पता चल पाएगा। ये देखिए ये नीचे का एरिया है, यहाँ पे डाइनिंग वगैरह यहाँ पे बैठने के लिए है, और हो सकता है ऊपर में, तो हम लोग पूछ लेते हैं उसके बाद चेक करते हैं पीजी कैसा है। ये भाई थर्ड पीजी है देखने आए, श्री मंजूनाथा जेंट्स पीजी, देखते हैं कैसा अंदर जाने बाद। तो टू शेयरिंग और थ्री शेयरिंग देख रहे हैं यहाँ पे और कैसा है, तो 106 में देखते हैं यहाँ पे टू शेयरिंग, एक बेड इधर लगा हुआ है, अच्छा लग रहा है गद्दा, निकुंज गद्दा में बैठ के देख रहे हैं यहाँ पे हैं। ये टू शेयरिंग बट बोल रहे इसको थ्री शेयरिंग कर देंगे, बीच में एक बेड लग जाएगा यहाँ पे। और ये वाला वॉशरूम है, वॉशरूम ठीक है, बड़ा बड़ा है वॉशरूम है, अच्छा वॉशरूम। ये देखिए रूम घुसते के साथ ही बस इतना ही दूर रहता है स्पेस, एक विंडो है और पंखा लगा हुआ है, बस इतना ही है, और इधर पूरा गैलरी टाइप का बना हुआ है यहाँ पे। ये टू शेयरिंग वाला है 10,000 का, एक बेड यहाँ पे है, एक बेड यहाँ पे है, और छोटा सा प्यारा सा बालकनी, कपड़ा सुखाने के लिए, यहाँ से शाम को व्यू भी ले सकते हैं, लेक व्यू का है ना, लेक व्यू का। और ये देखिए अब दिख रहा बिल्डिंग, अच्छा दिख रहा ना, लेक व्यू का व्यू ले सकते हैं। और वॉशरूम भैया वॉशरूम चल गया, अच्छा वॉशरूम चल गया, कोई नहीं वॉशरूम तो सेम ही है, और ये एक है कबर्ड दिया गया है भाई। टू शेयरिंग 10,000 का है 10,000, और थ्री शेयरिंग 7,500, और लेक व्यू यहाँ पे है, देख रहे हैं यहाँ पे, और बागवानी कंपनी यहीं पे पास में एकदम पीजी है,
तो अच्छा है और भी देख लेने से इधर। हाँ पार्किंग जो भी है ना सब बाहर में, अंदर में पार्किंग कहीं पे नहीं है, तो बाहर में पार्किंग रहेगा। तो देखने की कोशिश करें कि जो भी सूटेबल रहेगा फिर उसको हम लोग डन करेंगे यहाँ पे। ये डाइनिंग एरिया है खाने के लिए, और कभी मन करेगा तो गैस वैस रखा हुआ अपना खुद से खाना बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइन से भाई खाली पीजी एकदम वंडर, को लिविंग सारा को लिविंग है, देख रहे हैं उसे कपल के साथ, वाइफ के साथ है ना, कपल वाइफ दोनों के साथ, जिसके साथ रहना सिंगल रहना, सिंगल दोस्त के साथ रहना एक रूम में लेकर रखिए। बट पार्किंग सबका जो है ना बाहर ही रहेगा, ये सारे देखे हैं। जो भाई हम लोग पहले गए थे ना एक क्लासिक, उसी का दूसरा ब्रांच है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। बाहर से बिल्डिंग देख रहे भोकाल बना कर रखा हुआ, फिर अंदर चलते हैं हम लोग, पूछते हैं पीजी है कि नहीं यहाँ पे। ये बैठने का एरिया, रिसेप्शन भी बना हुआ, खेलने के लिए गेम्स भी है। तो भाई ये वृंदावन पीजी, इसके अंदर भी जाकर देखते हैं कैसा है अंदर का। बाहर से सारे पीजी अच्छे लग रहे हैं, अंदर से भी देख लेते हैं एक बार। सारे पीजी के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखिए ना भोकाल है भाई, बढ़िया बना हुआ है एकदम, सिटिंग एरिया बैठने उठने के लिए। पूछना पड़ेगा कि यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पर बैठ कर वेट करते हैं। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में ये वाला रूम है, और ये है रूम, टू बेडरूम, एक वार्डरोब इधर है और एक वार्डरोब इधर है, स्मार्ट टीवी और एक कनेक्शन है यहाँ पे चार्जिंग के लिए, और एक वॉशरूम है ये। तो इसका प्राइस जो है 10,500 है इसका पड़ रहा है, पर्दा लगा हुआ है, ये विंडो भी इधर है यहाँ पे, तो फैन भी लगा हुआ है, बढ़िया है ये वाला। ये डाइनिंग हॉल है खाने के लिए यहाँ पे, और खाने में भैया पूरा नॉर्थ मिल जाएगा ना एकदम, खाने मेन्यू का तो यहाँ से है, यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर पूरा मेन्यू में। वृंदावन लक्की को लिविंग पीजी मेनू में यहाँ पे खाने के लिए पूरा नॉर्थ और साउथ दोनों मिक्स मिल जाएगा यहाँ पे। ऊपर में भी जाके देख लेते हैं यहाँ पे, ये सबसे बढ़िया चीज़ है सेल्फ कुकिंग है, कभी मन करता खुद से खाना बनाने का ना तो सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं। अच्छा इसमें कर सकते हैं, और यहाँ पे अंदर गैस, अच्छा चाय खाना होना कभी वीकेंड में मन किया तो वीकेंड में खाना होना बना सकते हैं ना भैया हम लोग, ये अच्छा प्लस पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा अच्छा कभी भी बना सकते हैं, ये चीज़ बढ़िया है कि डेली कभी भी जो मन किया अपना बना के खा सकते हैं, क्योंकि ऑफिस से ऑफिस आए हम, सामान हम लोग अपना लाएंगे ना, अरे सामान प्रोवाइड कर देंगे तो और अच्छा हो गया। दूसरा रूम देखने के लिए आए यहाँ पे, गैलरी। अच्छा फ्रिज, हर फ्लोर पे फ्रिज है क्या भैया, ये चीज़ अच्छा है यार। ये जिम एरिया है क्या, प्ले एरिया मतलब, यही जिम एरिया है क्या, मतलब अपना नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा यहाँ से टेरेस भी ऊपर में है, आईपीएल मैच देखने के लिए काम आएगा ये वाला। और ये वॉशिंग मशीन है, अच्छा है यार यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे निकुंज यहाँ पे ट्रेडमिल पे कर रहा है, ये देखिए वो रूम भी देख लेते हैं, मन नहीं लगता कभी कभी काम करते करते बोर हो जाते हैं ना, तो आके यहाँ पे खेल लीजिए सब चीज़ें, रूम देख लेते हैं। और बाकी यहाँ के इंटीरियर हमको बहुत अच्छा लगता है, बल्ब वगैरह जो है ना जैसे शाम होगा ना तो बहुत प्यारा लगता है जब जलता है ये वाला बल्ब तो। और ये एक रूम है भैया दिखा रहे हैं, ठीक ये तो बहुत बढ़िया रूम है, अच्छा 11,000। तो वो दोनों डबल बेड है, डबल बेड ओके। ये वॉशरूम है, टी वी है, और यहाँ पे भी दो वार्डरोब है, अच्छा डबल बेड है, कपल्स के लिए बढ़िया है ये वाला। वॉशरूम तो सेम होगा नीचे जैसा ना, ये वॉशरूम है, हाँ अच्छा है। तो भाई अभी दूसरा एरिया में आए हैं, ये कौन सा सेम एरिया है, माधेवपुरा ना, तो यहाँ पर बना हुआ है एरो 1, 2, 3, 4 शेयरिंग, साउथ है नॉर्थ फूड दोनों हैं। तो यहाँ पर जाते हैं एंड में, एक दो पीजी है यहाँ पर जाके देखते हैं अभी हम। अभी को लिविंग पीजी है ना, नो डाउट काफ़ी खूबसूरत है, अच्छा है, बट पार्किंग का फैसिलिटी सब में बाहर है, अंदर में मतलब कहीं पे भी नहीं है। और समझ लो सिंगल आपको रहना है तो 22,000-25,000 लगेगा, और डबल रहना तो 11,000, और ट्रिपल तो रेयर उसमें रखते नहीं को लिविंग में, क्योंकि उसमें ज़्यादातर दो ही रखते हैं और सिंगल वाले रहते हैं। बाकी फैसिलिटीज़ वगैरह मिल जाएगा, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा कम प्राइस वाले पीजी हम देख रहे हैं यहाँ पे, राजू पीजी में हम जा रहे हैं यहाँ पे, और राजू पीजी में देखते हैं कैसा है। ये बाहर में बैठने उठने का एरिया है, यहाँ पे कोई नहीं है क्या, फ़ोन करके देखो पूछ के कोई है कि नहीं, वो देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे कोई रहता नहीं, संडे है तो खाली है, तो हम लोग देख रहे हैं फिर भी आके। पीजी में 4 शेयरिंग, ये रूम है, 1, 2, 3, 4 बेड, और ये वॉशरूम है। अरे वॉशरूम तो बहुत बड़ा है यार, बढ़िया है वॉशरूम, बहुत बड़ा है। एक और पीजी देखें यहाँ पे, निकुंज बताया क्योंकि निकुंज को इसलिए मालूम है यहीं पे जिम है, तो ये देखें यहाँ पे जिम कर रहा था, यहाँ पे पीजी और नीचे में दारू दुकान भी है, तो बॉयज लोग के लिए फायदा हो जाएगा भाई वीकेंड में। बाइक पार्किंग
शिव चीज है कि नीचे में है ना बाइक पार्किंग, यहाँ पे पूरा यहीं पे बाइक पकड़ दीजिए, कहीं पे भी तुमको बाइक पार्किंग, निकुंज यहीं पे पार्क करता है बाइक अपना जब भी जिम आता है। और ये है SLV लग्जरी PG, तो हम लोग चलते ऊपर में देखते हैं। निकुंज को इस PG का आइडिया था तो मेरे को लास्ट में बताया, और ये बजट फ्रेंडली भी है, बाकी आप लोग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अच्छा यहीं पे रहता है क्या? सो भाई हर जगह PG जो है ना गैलरी टाइप का बना रहता है, इधर भी है, इधर भी रूम्स है, कितने सारे रूम्स है। तो जा रहे हैं यहाँ पे, हियर माय फ्रेंड इज स्टेइंग। ओह ओह माय गॉड कार्तिकन ब्रो, यू आर हियर ओनली, सो नाइस टू सी यू ब्रो। सो ये एक फाइनली एक PG है, 4 शेयरिंग है, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 शेयरिंग PG है, अच्छा लग रहा है। विच बेड इज माइन? ओके, चार मतलब ये बने हुए वार्डरोब है यहाँ पे छोटे छोटे सामान रखने के लिए। यहाँ पे अटैच्ड बाथरूम पे वॉशरूम कैसा देखते हैं? ओ भाई जितना भी तक देखा ना उससे सबसे बड़ा वॉशरूम ही दिख रहा है, इतना बड़ा है कि एक आदमी इसमें भी सो सकता है, अपार्ट फ्रॉम जोक। तो भाई ये PG अच्छा है ये, और हाँ ये तो फिर भी अच्छा है पीछे, बाकी जितना भी देखें इसका इसका रेंट क्या है? इसका पीछे रेंट में इसमें स्पेस देख लीजिए, बाकी सब में दिखाने का मौका नहीं मिला, बट स्पेस इसमें ना अच्छा है, इसमें अपना बाइक है। सेकंड एंड थर्ड शेयरिंग, व्हाट इज द प्राइस? द फोर्थ शेयरिंग इज 6000, ओनली 6000 पर बेड, एंड थ्री शेयरिंग इज 7.5, थ्री शेयरिंग एंड शेयरिंग इज B9 एंड which food you are getting, like South Indian, North Indian, how many types? One. It's a thali food, like rice, chapati, kurmas, like that. Okay, mixed is it? It's a thali. Okay. Where you wash your clothes? The washing machine area you have? The geyser also. Okay, geyser also. भाई बढ़िया है, मतलब कि बजट फ्रेंडली में 4 लोग हैं, 6000 में आपका काम बन जाएगा बैंगलोर जैसा शहर में, और क्या चाहिए। ये PG मेरे को अच्छा लगा, जेन्युइन लगा, क्योंकि मैं जब हैदराबाद में रहता था तो मेरा भी मतलब काइंड ऑफ इसी तरह PG था। और को लिविंग में रहेंगे 11000 पड़ेगा, तो काइंड ऑफ सोचेगा अगर 11000 वहाँ दे रहे हैं तो हम एक फ्लैट भी ले सकते हैं 2-3 लोग मिल के, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट बाकी देखिए आपका डिसीजन रहेगा कि आप PG कौन सा प्रीफर करते हैं, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन सा, अगर किसी को 1 या 2 महीने के लिए किसी को बैंगलोर आना है, शिफ्ट होना है, तो को लिविंग PG में रह के निकल जाइए या छोटा मोटा PG में रह के निकल जाइए। बट ये आपको मिलेगा कि जितने बड़े PG है ना को लिविंग, उसमें आपको थोड़ा सा पार्किंग का इशू हो सकता है, पार्किंग बाहर खड़ा करना पड़ेगा, और ये छोटे जैसा PG है ना इसमें आप गाड़ी है ना नीचे बना हुआ रहता है, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी बाइक वगैरह जो पार्क कर सकते हैं। और इसमें जो एक है ना कि फर्स्ट फ्लोर में ही जिम बना हुआ, तो जिम भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो सारा PG जो ना अच्छा है, कोई खराब नहीं, बाकी अपना बजट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, क्योंकि मेन इशू क्या आता है ना बजट होता है, हर किसी का उतना बजट नहीं होता है को लिविंग अफोर्ड कर पाए, किसी का कम बजट भी होता है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और बैंगलोर में बहुत सारा PG है यहाँ पे, आपको जो भी अच्छा लगेगा आप लोग देख लीजिएगा। आई होप सो कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग मी।